जी गुड मॉर्निंग नेहा। पिक ऑफ द डे है बाटा इंडिया। ये लार्जेस्ट रिटेलर और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फुटवेयर का अक्रॉस सेगमेंट्स, मेंस, वेमेन्स और किड्स। 2 साल पहले इन्होंने स्नीकर सेगमेंट में एंट्री ली थी टारगेटिंग मिलेनियल्स, और ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इन मोर देन 1,500 टाउन्स और करीब 1,835 रिटेल स्टोर्स हैं। एक्सपैंड कर रहे हैं टीयर 3, टीयर 4 में थ्रू फ्रेंचाइजी रूट, और टारगेट कर रहे थे करीब 500 फ्रेंचाइजीज बाय एंड ऑफ FY24, पर ऑलरेडी इन्होंने 509 फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोल चुके हैं। Q3 में रेवेन्यू फ्लैट था, पर ग्रॉस मार्जिन्स इम्प्रूव हुए नियरली 119 बेसिस पॉइंट्स टू 56%। तो ओवरऑल FY24 का, इंक्लूडिंग Q4 का जो एक्सपेक्टेशन है, अर्निंग्स शायद फ्लैट रहेगा टू नेगेटिव, और इसलिए हमने देखा है कि ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। हावर बैलेंस शीट देखें तो काफ़ी हेल्दी है, डिसेंट कैश है बैलेंस शीट पे, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है, और इनपुट कॉस्ट भी कम हो रहे हैं, तो मार्जिन इंप्रूव करेंगे आगे जाके। कल इन्वेस्टर कॉल था, मैनेजमेंट वॉज क्वाइट अपबीट, तो FY25 में मुझे लगता है कि विल सी अ गुड अर्निंग्स बाउंस बैक, और FY26 का जो एक्सपेक्टेड EPS है मेरा 38 का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 1,900। तो बाटा खरीदें ये रहा।